हे एंड व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। ये है एप्पल एयरपॉड्स के क्लोन, या फिर उसके हम डुप्लीकेट उसको कह सकते हैं। लेकिन इस कंपनी का नाम है TWS, जो एक बहुत फेमस कंपनी है। इस मॉडल का नाम है i11 TWS, और ये 5.0 ब्लूटूथ पर वर्क करता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, और इसका प्राइस मैं आपको बता दूँ है 499 रुपीज़, यानी कि 500 रुपये में आपको ये मिल जाएगा, अमेज़ोन पर मिल जाएगा। इसका बेस्ट बाइंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं। इसके बॉक्स कंटेंट्स और फीचर्स वगैरह देखते हैं। यहाँ पर साइड में कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ i11 TWS लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है विद चार्जिंग केस, और यहाँ पर इसकी एक फ़ोटो बनी हुई है। तो फटाफट इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर मिलता है सबसे पहले हमारा बॉक्स, जो है i11 TWS। ये यहाँ पर आपको दो अपने एयरपॉड्स या फिर ब्लूटूथ ईयरफोन्स मिल जाएंगे। इसको मैं यहाँ साइड में रखता हूँ और इसको हटाता हूँ, देखते हैं बॉक्स में और क्या है। तो बॉक्स में से हमें मिलती है एक लाइटनिंग केबल, जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। इसको इजीली यहाँ पर आप पोर्ट कर सकते हैं, ऐसे इस तरह से आप इसको डाल सकते हैं। और इसके बाद आपको मिलती है बॉक्स में एक यूज़र मैनुअल, जो एक तरफ इंग्लिश में लिखी हुई है और दूसरी तरफ वो लिखी हुई है चाइनीज़ में। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स इसके लिखे हुए हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे तो आपको इसको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। तो बाकी चीज़ों को हम बॉक्स में रख देते हैं, और बॉक्स को रखते हैं साइड में। आते हैं अपने मेन कंटेंट के ऊपर। तो इस तरह का कुछ बॉक्स आपको मिलता है, जो यहाँ पर आपको नीचे एक लाइटनिंग केबल का स्लॉट मिलता है, इसमें आप चार्ज कर सकते हैं। बैक साइड पर आपको एक बटन मिलता है, इसको अगर आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको ब्लू लाइट दिखेगी। इस ब्लू लाइट का मतलब है कि ये बॉक्स इस टाइम ऑन हो चुका है, तो आप इसमें अपने ईयरफोन्स जो है वो चार्जिंग के लिए डाल सकते हैं। और जो रेड लाइट इस टाइम जल रही है, उसका मतलब ये है कि अगर आपने इसमें अपने ईयरफोन्स चार्जिंग के लिए डाल दिए हैं तो वो इस टाइम चार्ज हो रहे हैं। और जब आपकी रेड लाइट अपने आप बंद हो जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो ईयरफोन्स हैं वो फुली चार्ज्ड हो चुके हैं, और आप उसको कम से कम 2.5 घंटे तक आप यूज़ कर सकते हैं। 2.5 घंटे का इसका प्लेबैक टाइम है, और चार्जिंग में इसको करीब 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, यानी कि आपको अच्छा बैटरी बैकअप इसका मिल जाएगा। और यहाँ पर एक सबसे बढ़िया फीचर की मैं आपको बात करके दिखाऊँ, तो यहाँ पर है एक ये जो बॉक्स है, इसमें आपको पीछे एक मैग्नेटिक स्ट्रिप दिखती है। ये वायरलेस चार्जिंग के लिए यूज़ हो सकती है। अगर आप किसी सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि वायरलेस चार्जर उनके साथ मिलता है, या फिर आप अलग से परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप वायरलेस चार्जर पर इसको ऐसे रखते हैं तो ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं इसको खोलता हूँ, तो यहाँ पर आपको दो अपने ईयरफोन्स या फिर एयरपॉड्स मिलेंगे। अगर मैं इसको यहाँ से निकालता हूँ, और अगर यहाँ पर मैं डालने की कोशिश करता हूँ, तो ये एकदम से ऐसे अंदर चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये हमें मैग्नेटिक लुक के साथ देखने को मिलता है। तो अगर मैं खोल के दिखाऊँ आपको इसे अंदर, तो आपको यहाँ पर दो पिन्स देखने को मिल रही होंगी। एक पिन आपकी चार्जिंग के लिए है, और दूसरी पिन है जो वो आपकी मैग्नेटिक है। तो दूसरी पिन से ये अटैच हो जाता है अंदर जाके ऐसे, तो इस टाइम ये अटैच हो गया है। और ये जो इसका ऊपर वाला ये बॉक्स है, ये बंद करने वाली लिड है, ये भी पूरी मैग्नेटिक है, क्योंकि अगर मैं इसे ऐसे करता हूँ और अगर मैं अपनी तरफ ऐसे डालूँ तो ये ऐसे बंद हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसके कैसे फीचर्स हैं हमारे पास। इन दोनों को हम ऐसे बाहर निकाल लेते हैं, और बॉक्स की हमें अभी ज़रूरत नहीं है। बॉक्स को आप चार्ज करके रख सकते हैं, ताकि वो ईयरफोन्स को ऑटोमेटिकली चार्ज कर दे, इसलिए हम आप इसे हम बंद कर देंगे। इस बॉक्स को हम रखते हैं साइड में, और देखते हैं हमारे ईयरपॉड्स के बारे में। तो जो हमारे एयरपॉड्स हैं, उसका लुक देखने में बहुत अच्छा है, और ये बिल्कुल एप्पल के एयरपॉड्स जैसा लगता है। साइड से अगर हम देखें तो ऊपर से भी बिल्कुल अच्छा लग रहा है। नीचे इसका यहाँ पर आपको माइक देखने को मिल जाएगा। साइड में आपको यहाँ पर एक क्लीनिंग डस्ट स्क्रीन मिल जाएगी, जिससे आप डस्ट को क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर डस्ट अपने आप ही क्लीन हो जाएगी, वो आपके ईयरफोन्स के अंदर नहीं आएगी। यहाँ पर आपको मिलता है स्पीकर, जिससे आप अपने सॉन्ग सुन सकते हैं। इसके अगर मैं आपको टच सेंसर के बारे में बताऊँ, तो यहाँ पर ये फुल टच है। तो आपको ये बता के दिखाता हूँ मैं, अगर आपको इस ईयरफोन्स को ऑफ करना है, तो आप यहाँ पर आप इसको टच करके रखेंगे 5 सेकंड्स तक, तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अब ये रेड लाइट आई थी, उसके बाद ये ऑफ हो चुका है, और ये वाला ईयरफोन अभी ऑफ नहीं हुआ। तो इसको ऑफ करने के लिए अगर मैं इसको ऐसे 5 सेकंड्स के लिए टच करके रखूँगा, तो ये यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर ये भी ऑफ हो चुका है। अगर मैं इसको ऑन करूँगा,
ऑन करने के लिए भी मुझे यहाँ पर 5 सेकंड तक टैप करना है। इसके अंदर से आपको एक आवाज़ आएगी, पावर इज़ ऑन, इसका मतलब ये यहाँ पर ऑन हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों ऑन हो चुके हैं। अगर आपको इसे पेयर करना है अपने फ़ोन के साथ में तो आप उसमें, आपको कोई ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ब्लूटूथ में जाना है और वहाँ पर i11 tws सर्च करना है, वहाँ पेयर हो जाएगा। तो ये सब दिखाने के लिए मुझे आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर लेके जाना पड़ेगा। तो लेट्स गो ऑन द मोबाइल स्क्रीन। तो मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद आपको यहाँ पर पेयर न्यू डिवाइस पर क्लिक करना है और इसको आपको ऑन रखना है। जैसे ही यहाँ पर अवेलेबल डिवाइसेस में ये शो कर देगा i11 tws, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और बाद में आपका ऑटोमेटिकली पेयर हो जाएगा। यहाँ पर एक कनेक्ट हो चुका है और आपको यहाँ पर बैटरी परसेंटेज भी देखने को मिल रही है 100%, जो एक कमाल की बात है, जो इसका काफ़ी बढ़िया फीचर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ सॉन्ग्स प्ले करके दिखाता हूँ कि भाई उनकी क्वालिटी कैसी आती है, साउंड क्वालिटी कैसी है, बेस कैसा है इस ईयरफोन का, ये सभी मैं आपको इस वीडियो में अभी बता देता हूँ। तो मैं आपको इनमें से कोई एक सॉन्ग प्ले करके दिखा देता हूँ और उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई इस ईयरफोन्स की क्वालिटी कैसी है। मैं यहाँ पर वॉल्यूम इसका फुल कर देता हूँ और मैं आपको अपने माइक के पास इसको ले जाके सुनाता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, तो मैं आपको भी इसकी रेंज के बारे में बता देता हूँ। इसकी रेंज लगभग 7 या 8 मीटर तक है। इसके बॉक्स पे जो रेंज मेंशनड है वो है 10 to 25 meters, लेकिन इसकी जो रेंज है वो अप्रोक्सीमेटली आपको 10 meters तक ही मिलेगी, 10 meters या फिर उससे थोड़ी सी 1 या 2 meter कम तक ही मिलेगी। इसलिए इसकी रेंज की जो बात है वो इतनी बढ़िया नहीं है, क्योंकि इसकी रेंज अगर 10 to 25 meters अगर होती तो ये काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट माना जाता है इस चीप प्राइस में। लेकिन रेंज को अगर हम एक साइड में रख दें तो इसकी बेस और इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। सो गाइज, यही थी i11 tws की अनबॉक्सिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी वो M4 फिटनेस बैंड के ऊपर थी, तो उसको भी आप लोग शेयर करो ताकि वो नया प्रोडक्ट है, सभी लोग उसके बारे में जान पाएँ। तो ये प्रोडक्ट भी बहुत बढ़िया, अगर आपको इसको परचेस करना है तो आपको बेस्ट बैंक लिंक Amazon का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप जाकर इसे परचेस कर सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।